चैनल पिकअप ड्रीम्स। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि अब मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो है कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कौन सा ऑयल यूज करते हो और क्या क्या अपने बालों के लिए करते हो जिससे कि आपके बाल इतने ज्यादा थिक हैं, आपके बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री हैं, आप क्या स्ट्रेटन करते रहते हो। और हमारे इंडिया में क्या ट्रेडिशन है ना कि जैसे हम किसी को ऐसे सोचते हैं कि इसको बता देंगे तो हमारे टोक लग जाएगी या बाल झड़ने लग जाएंगे। तो गाइस, इन सब पे बिलीव बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी केयर करना चाहते हो, किस तरीके से अपने बालों को रखते हो। मैं मेरे हेयर केयर रूटीन का वीडियो आपके लिए बाद में लाऊंगी, पर आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक स्पेशल मेथड जिसका नाम है केराटिन ट्रीटमेंट। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा और आप में से शायद बहुतों ने करवाया भी होगा, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि कितना महंगा होता है। और आज मैं आप सबके लिए ये लाई हूँ केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। So let's start the video. Before we start the video, what you have to do is you have to subscribe my channel. Please subscribe my channel and yeah, please press the bell icon too. And just now let's get started. पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन केराटिन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमारे बाल केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसकी जब कभी कभी डिफिशियंसी हो जाती है और उस वजह से क्या होता है, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। अगर हम शुरू से अपने बालों का ध्यान रखेंगे फिर हमारे बाल हमें थैंक यू बोलेंगे। तो केराटिन ट्रीटमेंट अगर आप लोग सैलून में करवाते हैं तो उसकी नॉर्मल प्राइस है 5 to 6,000 अगर आपके नॉर्मल लेंथ के बाल हैं। और अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, आई मीन काफी बड़ी लेंथ है या फिर मुझसे भी ज्यादा लेंथ है, तो आपके 10 से 12 हजार का खर्चा तो आराम से। सबसे बड़ी बात क्या है DIYs को यूज करने की, कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई मीन आप यूज करोगे, ये बात जरूर है कि वो थोड़े टाइम टेकिंग है, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार DIY को अप्लाई करोगे और आपको एकदम से रिजल्ट मिलेगा, अच्छा नहीं। आपको धीरे धीरे करके वो अंदर से रिपेयर करते हैं DIYs। बट अगर आप सैलून में जाते हो तो उसे केमिकल अप्लाई करते हैं, आपके बाल आई मीन स्मूथ लगेंगे, आपको वो भी वो बिल्कुल टेम्पररी होगा और उसके बाद आपके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो आपको वो बार बार करवाना पड़ेगा। प्लस केमिकल्स की मैंने बहुत लोगों की कंप्लेन सुनी है कि वो जब करवा के आते हैं केराटिन ट्रीटमेंट तो उनको पिंपल की प्रॉब्लम हो गई है स्किन, प्लस उनका हेयर फॉल तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ DIYs और आपको भी वही सजेस्ट करूंगी। तो केराटिन के नाम से ही आपको याद आ रहा होगा, घंटों सैलून में बैठना, हजारों का बिल, प्लस इतने बड़े बड़े केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज करना, पिलो कवर चेंज करना, ब्लो ड्राइंग करना। पर गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ मैं आपको, और मैं जो लेके आई हूँ वो आपको आपके किचन में मिलेंगे। तो जस्ट लेट्स प्रिपेयर। हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक बोल, उसमें आधा कप चावल, 2 चम्मच अलसी और 2 चम्मच मेथी दाना हमें रात भर 1.5 ग्लास पानी में सोख करके रख देने हैं। इसे आपको ढककर अच्छे से कवर करके रखना होगा। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद उसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा और आपको उसका पानी सेपरेट कर लेना है, थोड़ा सा रहने देना है जिससे कि वो बिल्कुल ड्राई ना बने, और उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। ओके, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, आप नेचुरल ले सकते हो, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। अब हमें इसे जेंटली अप्लाई करना है, पार्टीशन करके मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने बालों पे, और ये थोड़ा मैसी प्रोसेस है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये थोड़ा मैसी प्रोसेस है, आप लगाओगे गिर जाएगा, तो प्लीज़ बेयर विद इट। अब पार्टीशन करने के बाद जिस पे अप्लाई कर रहे हो, जिस सेक्शन पे, आप उसको खुला छोड़ दें, बाकी दूसरे सेक्शन को क्लच से सिक्योर कर दें। आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इसे, पर आपको इसे स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आपको अपने हेयर लेंथ पे लगाना है, क्योंकि हम वहीं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ कि यार आप कोई भी मास्क लगाते हो, बनाना मास्क लगाते हो, तो वो भी बालों में अटकता है, तो इसमें भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो भी अटक सकते हैं। पर गाइस डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी परेशानी होना है, आप माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे तो वो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं निकलते तो कोम करोगे तो वो आराम से डेफिनेटली निकल जाएंगे, मेरे भी निकल गए थे। तो गाइस आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मैं भी डर गई थी कि अब क्या होगा, पर फिर ये आराम से निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, आपको एक भी पार्टिकल नहीं दिखेगा। फ्लैक्स सीड्स थोड़ा सा स्टिकी होता है तो अटक जाता है बालों में, और तो पहले से ही रेडी होकर बैठना पुरानी टी शर्ट वगैरह पहनकर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे रिजल्ट्स को देखकर। अब जो आपका सेक्शन होता जाएगा उनको आप क्लचर से सिक्योर करते जाइए, फिर लास्ट में फाइनली एक बन बनाकर आपको रख देना है ये। और एक और बात, हालांकि आपको सैलून जैसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आई मीन उतने अच्छे क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो एकदम से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, पर अगर आप इसे यूज़ करोगे तो 2-3 बार में आपके और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे रिजल्ट्स, प्लस आपके बाल और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके है ही नहीं।
मास्क लगाने के बाद आपको 20 मिनट तक रखना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। वन वॉश में नहीं जाएंगे, 2-3 वॉशेस में निकल जाएंगे ग्रैन्यूल्स। तो ये है मेरे बाल बिफोर अप्लाइंग द मास्क एंड यू कैन सी कितने फ्रीजी, अनमैनेजेबल, ड्राई और बिल्कुल भी शाइनी नहीं है मेरे बाल। आप देख सकते हो, तो ये बिफोर मास्क एप्लीकेशन के हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेजान बाल हैं। इनको देख के इतना कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, ना इनकी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, ना इनको खुले रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते मतलब। तो चलिए जादू देखते हैं। इनको देखने के बाद आप कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो मेरे बाल कितने शाइनी, मैनेजेबल, स्मूथ लग रहे हैं। आप हेयर स्टाइल बनाओ ऐसे बालों को, खुला छोड़ो, अब इन कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश होने वाली है। तो गाइस मैं तो यही सजेस्ट करने वाली हूँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार रिस्क लेके देखिए और डर के आगे जीत है। प्लस नो हीट, नो केमिकल्स, नो साइड इफेक्ट्स, और वो भी हम बनाने वाले हैं वो सारी चीज़ों से जो कि घर में अवेलेबल होती है, तो और क्या चाहिए। और इतने अच्छे रिजल्ट्स, आप इतनी मेहनत की है और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो थोड़े फ्लॉन्सीज हो जाए। दिस वॉज इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। गाइस लव योरसेल्फ, लव द वे यू आर, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।